हां जी बेटा, आपा करांगे आज गुरबख्श सिंह पाठ बोली। ठीक है, कल असी राइटर बारे कीता सी। ओके, तो आज आपा करांगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस थानू मैं सेंड किते हुए नहीं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस पहला किते से जदों आपा ये चैप्टर कर लिया हुआ सीगा। क्लियर है? नहीं, प्रार्थना चैप्टर बेटा तुसी नहीं करना। ठीक है, अपनी कॉपी उत्ते हाँ जी बाद विच सेंड कर सकते हो, तुसी हले नहीं करना। राइट, सो सब तो पहला अगर थानू देखो सार आंदा होएगा बोली दा ते तुसी जित्थों मर्जी क्वेश्चन जेड़ा है वो लिख सकते हो। थानू पता होएगा कि इस चैप्टर विच कहा की गया है तो तुसी ईजीली कर सकते हो। तो दस सकता है कि बोली चैप्टर विच कहा की गया सीगा, डिटेल विच नहीं बट थोड़ा बहुत पांच छे लाइना विच नवनीत दस सकते हो। बोली की महत्ता बारे दसाया गया ना, ये लेखक ने कहा कि बोली जड़ी है बहुत जरूरी है, थोड़ी शख्सियत को उभारन दे विच बोली बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ते शरीर दा हाँ जी बचपन तो ही बच्चों नू बोली सिखाई जाती है। ठीक है, ते जेड़े घरां विच चंगी बोली सिखाई जाती वो बच्चे की हैं वड्डे होके उन्हां दा आचरण भी उदा दा ही बन जाता है। ते घर वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट ओही गल्लां ने इहदे विच भी सेम ही है। ठीक है, कि जे तुसी घर विच बोली जड़ी है बच्चा ना सही तरह बोलोगे तो बच्चे नैचुरली उदा दे ही बोली नू अक्सैप्ट करनगे। ठीक है, फिर इहदे विच एक वर्ड दिता सिक्के अते नोट, ये वाला चैप्टर है वो सिक्के अते नोट वाला। सिक्के अते नोट उहने किहनू कहा सीगा? हाँ, लफ्जां नू कहा सीगा। ठीक है, सो अज आप यही करांगे कि उन्हें केड़े केड़े शब्द कितने कितने यूज किए ने। ठीक है, जिस तरह सोना किनू कहा गया है, जिंदगी का तजर्बा किनू कहा गया है, अकल किसनू उन्हें कहा है। ठीक है, फिर उन्हें यह भी कहा सीगा कि असी बोली जड़ी है कितों भी सीख सकते हैं, जड़े घर विच हुंदे ने या बाहर कोई आंदा है। ठीक है, अपने वड्डे वडेरियां तो रिश्तेदारां तो इन्हां सब तो आपां बोली जड़ी है वह सीख सकते हैं। अच्छा, जी एक होर उन्हें कहा सीगा कि बोली जड़ी है वह साड़ी आत्मा दा चित्र है, साड़ी बोली तो ही साड़े लाइफ स्टाइल बारे पता लग सकता है। ठीक है, सो पहला लिख लो जी, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा असाइनमेंट है, मुंह किसका चित्र है? फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मुंह किसका चित्र है? ठीक है, सपोज ऑप्शंस आ गई थानू, आत्मा दा, शरीर, सुंदरता, एक और बनाओ जरा, बोली, ठीक है, मिठास भी लिख सकते हो। ठीक है, मुंह किसका चित्र है? शरीर दा, ते बोली बोली किसका है? आत्मा दा चित्र है। ठीक है, मतलब तुसी जो भी आपा बोली कोई बोलते हाँ ते थोड़ी आत्मा जड़ी है उसका पता लगता है कि तुसी किदा दी शख्सियत वाले हो। राइट, दो क्वेश्चंस लिख लो जी, पहला मुंह किसका चित्र है, फिर बोली किसका चित्र है आत्मा दा। नेक्स्ट लिखो, केहड़े व्यक्ति, ये आपा वन वर्ड ऑलरेडी किया हुआ है, इनू ऑप्शंस ना लिखो, इनू वन वर्ड लिख लो, केहड़े व्यक्ति सियाने ते दिलचस्प हुंदे ने? किदा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, केहड़ा व्यक्ति सियाणा ते दिलचस्प हुंदा है? ऑप्शंस अगर लिखनिया ने तुसी लिख सकते हो, अन्ना व्यक्ति, गूंगा व्यक्ति, विद्वान या
या माड़ा व्यक्ति, ठीक है। सो ऑप्शन इज अन्ना व्यक्ति। हाँ जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अन्य व्यक्ति नो भी क्यों आप दिलचस्प ते सियाणा कहने। हाँ एनीवन, गूंगे व्यक्ति नु क्यों नहीं आप सियाणा ते दिलचस्प कहते। गूंगा व्यक्ति भी तो हो ही सकता सियाणा, क्यों कहने हैं? क्योंकि वह बोल नहीं पाता अपने हावा भाव नु, व्यक्ति नहीं कर पाएगा ते असीं उहनूं सियाणा किद्दां कह लईए, ठीक है। अपनी अगर वह नॉलेज नहीं बयान कर पा रहा बोली राही, नो डाउट अजकल काफी टेक्निक्स आ गई, जेस्टर्स आ गए, बाकी सब कुछ आ गया, उहदी नॉलेज जिहड़ी है आप जांच सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीरी दा ठीक मेच किसनों मन्या जांदा है? अमीरी दा ठीक, ठीक है, अमीरी दा ठीक मेच, मेच मतलब मेजर किद्दां कर सकते आप, किसनों मन्या जांदा है? तो आंसर इज बोली नू। हो गया। नेक्स्ट लिखो, जिंदगी दा असली सोना की है? जिंदगी दा असली सोना केनू मन्या गया है? धन दौलत नू, अमीरी नू, तजर्बे नू, या अकल नू? अकल नू, ठीक है। जिंदगी दा असली सोना की है? अकल। जे थानू सब तो वध नॉलेज होएगी, तुसी अकलमंद होगे तां तुसी पैसा भी कमा सकते हो, जे थोड़े कोल पैसा है तो थानू अकल ही नहीं हैगी तां फिर तुसी पैसे नू कित्थे लैके जाना, ठीक है ना। सो अकल जिहड़ा है वह जिंदगी दा असली सोना है। अगे लिख लो, सोना कौन है? अकल, ठीक है। ते लब्स नोट ते सिक्के, एक इनू क्या गया है? नोट ते सिक्के किसनू क्या गया है? अखर या लब्सानू, अखर या लब्सानू, ठीक है। Then, writing सुंदर करो। Next लिखो, नोट ते सिक्के अखर या लफ्जां नूं कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, वड्डियां दा पहला धर्म की है? ठीक है, ओके गुड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर कोई आंसर आंदा है देन प्लीज रेज योर हैंड। वड्डियां दा पहला धर्म की है? की है वड्डियां दा पहला धर्म? बच्चियां नू, ओके। हां जी प्रशांत, बच्चियां दी बोली ते ध्यान देना। ठीक है, बच्चियां दी बोली ते ध्यान देना, ओके गुड। डन, नेक्स्ट लिखो, हां जी केदे विच बोली दी अमीरी दा वादा, बोली दी अमीरी दा वादा, ठीक है। कल्ली अमीरी तो फिर धन दौलत भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बचपन विच बच्चा अपनी मां तो की सीखता है?
ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ नेक्स्ट हाँ जी ऋषिक गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग मैम ये जो अभी आपने आंसर बताया है इसमें माँ बोली पंजाबी आना के खाली माँ बोली पंजाबी लिख लो क्योंकि साड़ी पंजाबियां दी ता है हाँ अगर क्यों ये जरूरी नहीं कि ये पंजाबी भाषा ते लिखा गया तो सी माँ बोली भी लिख सकते हो ठीक है ओके मैम ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜੋ ਲੋਕੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਬੇਭਾਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਏਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਾਨ ਬੇਭਾਗੇ ਬੇਭਾਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਬੇਭਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਬੇਭਾਗੇ ਬੇਭਾਗੇ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸੋਨਾ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਦੌਲਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੌਲਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਦੌਲਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਮਨ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਓਨੀ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਪਾਰ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਕਿਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
तजर्बे विच वाधा, अकल विच वाधा या तजर्बे विच वाधा। सो आंसर इज तजर्बे विच वाधा। हो गया, डन ऑल स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, किहड़ा समां कीमती हुंदा है? हां जी कृषान, ये रिपीट कर दो पिछले वाला। किस दे मौकियां विच वाधा होना चाहिदा है? तजर्बे दे मौकियां विच वाधा होना चाहिदा है, मतलब थोड़े को एक्सपीरियंस जिन्ना वधी जाएगा उन्ने ही थानू नॉलेज हुंदी जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, केहड़ा समा कीमती हुंदा है? कीमती, केहड़ा समा कीमती हुंदा है? हां जी हिमानी, बचपन दा। ठीक है, बचपन दा समा कीमती हुंदा है, गुड। अच्छा, बचपन विच आपा मोहरां इकट्ठियां करदे हां, कादियां मोहरां? ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਹਰਾਂ ਕੀ? ਸੱਚੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਰਡਸ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਸ਼ਤ, ਮੈਮ ਇਹ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੋਲਾ ਥਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਕੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ? ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ। ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਨੋਟ, ਸੱਚੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਆਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ? ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਮੋਹਰਾਂ। ਦਿਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਿਲ ਦੋਸਤੀਆਂ, ਪਿਆਰਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਗੀਤਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਹੰਝੂਆਂ, ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮੁੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੌਲਤ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੌਲਤ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਦੌਲਤ? ਦੌਲਤ ਕਿਹੜੀ? ਤਜਰਬੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ? 15 ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਨ ਵਰਡ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, 15 ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਦੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਡਨ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ। ਫਸਟ, ਬੋਲੀ ਕਿਸਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?
गुरबख्श सिंह दा। मूह किसका चित्र है? शरीर दा। शरीर दा सुहप्पण या कोहज किस तो पछाड़िया जाता है? बोली तो। सोहज के नु सुहप्पण सुंदरता, कोहज के नु कहंदे आ? कोहज, कोहज, कोहज अगली पर्सन नहीं हुंदा जिहड़ा सोहना नहीं हुंदा ओनु, मतलब तुहाडी सुंदरता भी बोली दे तरीके नाल पछाणी जा सकती है। हुण कई लोग की हुंदे ने बड़ा रूड बोलदे ने, उन्हां नूं आपां कोहज ही कहांगे ना, उन्हां दे अंदर सुंदरता है ही नहीं, चाहे वह बाहरों जिन्ने मर्जी सोहने क्यों ना होण। बोली किसका चित्र है? किता है आपां अज आत्मा दा चित्र है। नेक्स्ट केड़ा व्यक्ति, ये भी आपां कर लिया। लफ्स किसका हिस्सा हुंदे ने? लफ्स तजर्बे दे। जिंदगी दा असली सोना अकल। बोली दा खजाना कित्थों जुड़ना शुरू हुंदा है? हाँ, बचपन दे चुगिरदे तो या बचपन तो। केहड़ी थां मोहरां दी खाण है? ठीक है, जिथे अपना बचपन बिताया होवे। वड्डियां दी जिंदगी दा पहला धर्म, डन कर लिया सी। ठीक है, किना दी दुनिया कंगाल हुंदी जांदी है? ठीक है, जो अपने बच्चों नूं चंगी बोली नहीं सिखा सकते। नेक्स्ट, बेभागे कौन हुंदे ने? जो अपनी भाषा नूं छड़ के दूसरियां भाषावां नूं अपनांदे ने, उन्हां नूं आपां बेभागे कहिंदे आ। केड़ा समा कीमती, ये भी आपां कर लिया। दुनिया विच केड़े लोग अपना मुल पूरा नहीं पवा सकते? जो चंगी बोली नहीं बोलते, जिन्हां दे जिहड़े लफ्ज ते नोट जिहड़े हुंदे ने ए सोने दे नहीं हुंदे, उन्हां दे किद्दां दे बन जांदे ने फिर? ओह पित्तल तो भी माड़े बन जांदे ने। ठीक है, कामयाबी दी कुंजी केड़ी है? बोली या चंगी बोली। लफ्ज सानू कित्थों कित्थों सिखने चाहिदे हन? हर जगह तो, आले दुआले तो, रिश्तेदारां तो, दोस्तां तो, भैन भरावां तो। ठीक है, दिल दी दौलत दीआं मोहरां केड़ियां हन? लफ्ज, लफ्ज। ठीक है, हो गया जी बोली चैप्टर। लॉन्ग क्वेश्चन आपां करने नहीं, हाँ जे लॉन्ग क्वेश्चन बाय चांस तुहानूं आ जाण, क्योंकि तुहाडा पेपर जिहड़ा इत्थे होणा है किसका आएगा, ऑब्जेक्टिव होएगा। ओके, पहले थानू पता होंदा सारा कुछ टीचर दा। ओके ठीक है बच्चे, एक ए आना है और अगे आने हैं तुहानू मुहावरे अज दे टेस्ट विच। सो अज आपां अज दा ही टेस्ट रिवाइज करना है। मुहावरे तुहानू पग्गा पाग आपां किन्ने कर ले सी? 10 हो गए सी साडे, 10-12 कीते सी। ओके ओके, मुहावरे थोड़ी पुरानी बुक से भी उही होंगे। ठीक है, पर इस बारी कोई लिमिट नहीं है, ये नहीं कि जेडे बुक विच ही है तुहानू उही आणगे कग्गा पाग मुहावरे, और भी आ सकते ने। ठीक है, मैं तुहानू दस सकते सीगे कि मुहावरे किस तरह आ सकते ने। मुहावरा पूरा करो भी आ सकता है, अर्थ भी पूछा जा सकता है, सेंटेंस भी दिता जा सकता है, ओहदे विचों दी मुहावरा पूछा जा सकता है। ठीक है, या चार मुहावरे दिते जाणगे, उहदे विचों दी सही मुहावरा चुनना भी आ सकता है। 4-5 तरीकों दे नाल तुहानू आ सकता है। ठीक है, सो तुसीं लर्न कर लो तो बैटर है, राइट। सो आपां बच्चे, हाँ जी अगर तुसीं क्लास च सुन लोगे ना, तुहानू लर्न करन दी कोई जरूरत नहीं पैणी, क्योंकि जदों आपां एमसीक्यूज करदे ना, आपां इक वारी गो थ्रू हो जाए ना चीज च, उह साडे दिमाग च हुंदी जरूर है। जिस तरह हम आप बोली चैप्टर किया है, हम थोड़े दिमाग च जिन्होंने ध्यान न सुनिया उन्होंने तो पता होगा कि सोना किनू कहिंदे आ, जिन्होंने चैप्टर ही नहीं पढ़िया होगा उन्होंने की पता सोना किनू कहिंदे। उत्थे सोना लिखा होगा, उत्थे धन दौलत ऑप्शन होगी, उन्होंने सोना देखना, धन दौलत नूं टिक कर देना, राइट ना। चैप्टर पढ़िया होगा फिर ही तुहानूं पता लगे सोना किनू कहिंदे आ। नहीं हार्दिक नागपाल, ओके। नैक्सट है कुसर मुसर करनी।
हौली हौली गल करनी, हुण जदों तुसी देखो मैं तुहानूं नाल नाल कर दसदी हां कि किदां आपां कर सकदे हां, ठीक है। उहनूं ना कदी जोड़ के देखिया करो मुहावरिआं नूं किसे दे नाल वी, जदों तुसी जोड़ोगे ना किसे नाल तुहानूं नहीं पर वाक पुछा जा सकदा है, वाक दे के तुहानूं पुछा जा सकदा है कि इहदा सही मुहावरा केहड़ा है। हाँ नहीं ओदा अर्थ लिखने या ऐदा कुछ नहीं आएगा, एमसीक्यूज ही आएगा, पर तुहानूं पता होना चाहिए है ना। राइट, हुण देखो जिस तरह हुण तुसी क्लास विच हुंदे हो, तुहानूं कई बार टीचर कहिंदा ना कुसर मुसर लाई होई है तुसी चुप कर जाओ, बहुते उहनूं कहिंदे हौली हौली गल करनी, ठीक है। राइट, नेक्स्ट है धर सिर ते चुप लैणा, बहुत रोला पाना, ये थानू पता है, काफी थानू पता ही है, तुसी फिफ्थ तो कर दे आ रहे हो मुहावरे, ठीक है। जरूरी नहीं कि इन्हां रट्टा ही लाना है, एदा ए एदा ए, जिन्ना तुसी क्रैमिंग करोगे ना हर एक चीज नू, थानू चीज उन्नी ही भुलदी जांदी है, अगर तुसी अंडरस्टैंडिंग ना करोगे ना कोई चीज थानू कदी नहीं भुलेगी। नेक्स्ट है घर दा राज समझना, की हुंदा वैसे अपनी लैंग्वेज विच दसो, तुसी कहंदे ना तुसी अपने घर ते ही राज कीता होया, इहनूं अपने ही घर समझ के बैठे हुए हो, कई वारी आपां बोल दिंदे आ, की हुंदा उहदा मतलब, आकड़ तां नहीं कह सकदे, राज मतलब तुसी अपना ही अपने अकॉर्डिंगली काम कर रहे हो, अपने अनुसार काम कर रहे हो, ठीक है। सो जिहड़ा सही अर्थ है वह लिखा हुआ कानून दे विरुद्ध अपनी मनाउणी, अपनी ही चलानी, ठीक है। नेक्स्ट है घालणा घालणी, कालना कालनी कालना, कई होंगे तुसी वर्ड्स भी नहीं सुने होंगे, ठीक है। कालना कालनी कालना की हुंदा है बड़ी ज्यादा मेहनत करनी, ठीक है। डैश कालनी आ सकता है, ओदे विच काफी ऑप्शंस हो सकदियां ने, ठीक है। सो कालना कालनी दा मतलब हुंदा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी या कुर्बानी करनी, ठीक है। भगत सिंह वर्गे देश भगतां ने अणथक कारनामा काल के देश नूं आजाद करवाया, मान लो तुहानूं इह मुहावरा आ गया, मेहनत करनी लिख लो तुसी, ठीक है। नेक्स्ट है घर दा मूंह दूजे पासे लाउणा, थोड़ा बहुत ठीक है, घर दा मूंह दूजे पासे, हुण देखो इम्पॉसिबल है ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜੂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਜਾੜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਘਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਣਦੇ ਪਏ ਵੈਸੇ, ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੇਟਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੀ ਲਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲਣੀ, ਕੁੰਡੀ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਹੈ ਕੁੰਡੀ, ਕੁੰਡੀ ਕੁੰਡੀ ਰਾਜ ਖੋਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਦੇਣੀ, ਕੁੰਡੀ ਦਰਵਾਜੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਸ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।